अभी बात करें इस बात का रजिस्ट्रेशन 1982 में हुआ। राजनाथ छोड़कर इसके संस्थापक थे। अब सज्जन सिंह वर्मा एमपी में मंत्री हैं, वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं अभी करीब 1.5 साल पहले निकला हुआ हूं, एसपी रहा, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस रहा, फिर जा रहा हूं। ये सब अनुभव आप लोगों को जोड़ दीजिए जिससे मैं सोचने को मैं रिटायर होने के बाद घर पे था, एक महीने के साथ में हूं। तो अखिल भारतीय खड़ी समाज का युवा अध्यक्ष विजय सरदार जी अपनी डीसी के साथ मेरे घर आया। वो कहने लगा कि आपको हरियाणा का खड़ी समाज का मेरे कोई विचार नहीं था। मैं क्या यार अपना आराम करिए, वो तो नहीं गई। फिर उनका मैसेज आया कि नहीं जी आप कभी आप जो हमने आपके बारे में सुना है और आप ये जिम्मेवारी संभालो। मैंने विचार किया, विचार करके मैंने सोचा जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, जिस समाज की वजह से मुझे जॉब मिली, जिस समाज की गुरु किसी से मुझे ये पोस्ट मिली, तो मेरा भी फर्ज है कि समाज की मैं जनवादी नहीं हूं। बिस्कुट घोबड़े टॉफी दाल पेंसिल कॉपी ये बेचते थे और आज लोग कहां पहुंच गए, आज कहां पहुंच गए वो। आज सारी जितनी भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का उनका राज है, जितनी मार्केट है मार्केट उनका राज है, मार्केट में राज है। और पॉलिटिक्स में देखो हमारे सीएम साहब बने बैठे, एमएलए कितने बने बैठे, ये एक मेहनत का है, मेहनत करने का फल है। उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी, अगर आप मेहनत करते रहेंगे, हमारे बच्चे अगर काम करते रहेंगे तो हम जरूर सक्सेस होंगे। और फिर बात है कि समाज के लिए काम करेंगे और मैंने जो बोला है अगर किसी के समझ में नहीं आया हो या कोई प्रश्न पूछना चाहता हो, कोई बात नहीं, कोई पूछना चाहता नहीं आप ऐसे करते ऐसे नहीं। अगर किसी में कोई डाउट है ना तो मैं खुला हूं, मेरे को सही में उसको कोई भी मेरे को बता सकता है कि ये डाउट है आप क्लियर करो, मैं क्लियर करूंगा। अगर मेरे साथ ठीक है और नाइस हो जाएंगे, मुझे सफलता जरूर मिलेगी।
मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, अपने माता पिता पर विश्वास करता हूँ, ऐसी भावनाएं वाले लोग भी होते हैं। तो हमें क्या करना है, जिन बच्चों में नकारात्मक सोच होती है या बड़ों में भी जो नेगेटिविटी वाली बातें होती है, हमें उन लोगों से दूर रहना है। किंतु दो तो हमारे डिग्री पहुंचने के लिए हमें दिन रात एक करना पड़ता है, जिसमें दो आपकी सैकड़ों बातें और सैकड़ों भी जो मेहनत के गुजरे थे वो आज सार्थक हो चुके, सफल हो चुके हैं। और आप अपने जीवन की जो अंधियारे हैं, दुख है, तकलीफें हैं, वो सारी की सारी समाप्त हो जाती है। जैसे मैं कहती भाई, मुझे सलमान खान बहुत पसंद है। मेरा सोचना है मुझे सलमान खान हीरो के रूप में बहुत पसंद है, लेकिन आप जानते हो वो हीरो क्या, एक फिल्म के बलबूते बन गया, एक फिल्म उसको सुपरस्टार बना सकती है, किंतु उससे पहले उसने कितने वर्ष लगाए हैं, जब जाने वो सुपरस्टार बन के सामने आता है। इसी प्रकार से अगर कोई बिजनेसमैन है, हमारे समाज के लोग ज्यादातर बिजनेस ही करते हैं, तो जो बिजनेस कर रहे हैं और जो कामयाब बिजनेसमैन जिस दिन बन के हमारे सामने आता है, हम सोचते हैं कि जो कामयाब हो गया उसे तो मुकद्दर में ऐसा कामयाब होना, ऐसा नहीं है। हाँ, मुकद्दर है साथ में, किंतु आप देखिए उससे पहले जितने दिन हो जाते हैं उसने मेहनत में गवाई है, परिश्रम में गवाई है, वो मेहनत है जो उसका अथक परिश्रम था, उस परिश्रम की वजह